स वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू सो आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर आपके सी ए फाउंडेशन के सिलेबस के कंटेंट के बारे में मैं बात करूं तो इस कंटेंट के अंदर हर बार एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एक क्वेश्चन आता ही आता है जो कि अराउंड टेन टू फोर्टीन मार्क्स का हो सकता है मिनिमम है टेन मार्क्स मैक्सिमम है फोर्टीन मार्क्स जो ये चैप्टर है इसके साथ एक रिटायरमेंट भी है उसका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन अगर मैं पास ट्रेंड को लेकर के चलता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एडमिशन पार्टनरशिप के अंदर राइट right? आपके सिलेबस कंटेंट में पूरी पार्टनरशिप है अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी मार्क्स की अप्रोक्सीमेट वो किसी टाइम ट्वेंटी की हो जाती है किसी टाइम की हाइएस्ट कितने नंबर की आ सकती है ट्वेंटी मार्क्स की आ सकती है एक क्वेश्चन देखने को मिलता है पांच नंबर का हर साल जो भी न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंगली और एक क्वेश्चन हो सकता है टेन या फिर आपको फोर्टीन मार्क्स में देखने को मिले राइट right? जो मैं चैप्टर आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करवा रहा हूं इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे उसके अंदर सबसे पहले रीजन्स क्या जरूरत है एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर नए पार्टनर को लेकर आने का क्यों हम लोग नए पार्टनर को हमारे बिजनेस के अंदर एडमिट कर रहे हैं नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लाएगा तो वो क्या क्या चीजें लाएगा उसके बारे में ब्रिंग क्या कर रहा है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रेशोस नया पार्टनर आएगा उसको अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पार्ट दिया जाएगा और जो पार्ट दिया जाएगा उससे पुराने वालों को हो सकता है किसी को नुकसान हो और किसी को फायदा हो तो रेशो के एडजस्टमेंट पड़ेंगे रेशो के एडजस्टमेंट के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट पार्टनरशिप जब पार्टनर एडमिट होता है तो इसके बाद नए पार्टनर के आने से हमारे पास जितनी भी असेट्स पहले की रखी हुई हैं साथ ही साथ पुरानी जो लाइबिलिटीज रखी हुई हैं उन लाइबिलिटीज का हम लोग करते हैं रीवैल्यूएशन हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में और लास्ट के अंदर हम बात करेंगे बैलेंस शीट की तो इस चैप्टर के अंदर क्रमानुसार हम लोग जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने हैं इस चैप्टर का पूरा का पूरा कंटेंट राइट नोट कीजिएगा फिर अपन बढ़ेंगे आगे हो जाएगा चेक डन चलू आगे अब देखिए किसी भी पार्टनरशिप के अंदर न्यू पार्टनर को एडमिट करना है उसके एडमिट करने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं दो पार्टनर मिलकर के काम कर रहे हैं इन्होंने तीसरे पार्टनर को बिजनेस के अंदर बुलाया बुलाने का रीजन सबसे पहले मन में आएगा दो मिलकर के काम कर रहे हैं तो जो रिसोर्सेस होने चाहिए वो रिसोर्सेस बिजनेस के लिए पूरे नहीं हैं। उन रिसोर्सेस को पूरा करना है या तो बैंक से लोन ले लो या फिर एक काम करो किसी नए पार्टनर को लेकर के आओ जिससे नए पार्टनर का एक्सपीरियंस आएगा हो सकता है उसकी मार्केट में रेपोटेशन हो जिससे हमारे प्रॉफिट के अंदर फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो सबसे पहला रीजन होता है टू इंक्रीज रिसोर्सेस हम क्या करना चाहते हैं हम रिसोर्सेस को इंक्रीज करना चाहते हैं उन रिसोर्सेस के लिए हम लोग नए पार्टनर को एडमिट करते हैं पहली बात दूसरा टू कंट्रोल मैनेजमेंट भैया दो लोग हैं वो अपने डिसीजन प्रॉपर वे में नहीं ले पा रहे हैं अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं नए पार्टनर को लाएंगे उससे क्या होगा डिसीजन बहुत अच्छे से हम लोगों को लेने में आसानी होगी और हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर चलने वाला है सो टू कंट्रोल दी मैनेजमेंट और तीसरा फॉर बेस्ट डिसीजन मेकिंग इन कुछ सेलेक्टेड कारण कारण और भी बहुत हो सकते हैं बट ये कुछ सेलेक्टेड रीजन है जिसके लिए हम लोग नए पार्टनर को हमारे बिजनेस के अंदर एडमिट करते हैं राइट बात क्लियर अब एक बात बताओ नया पार्टनर बिजनेस में आएगा उसको राइट्स देने पड़ेंगे क्या देने पड़ेंगे राइट्स। देखो पार्टनर्स के पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं ना पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं हर पार्टनर के इक्वल इक्वल राइट होते हैं मैं उन राइट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं राइट्स किसके इनकमिंग पार्टनर के बिजनेस में अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है उस नए पार्टनर के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं सोचा जाए प्रैक्टिकली तो सबसे पहला राइट होता है फॉर शेयर द प्रॉफिट दूसरा और शेयर दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज मैं हर चीज का रीजन ऐसा दूंगा आप बोलोगे सर एकदम सही बात है नया पार्टनर आया उसको राइट चाहिए प्रॉफिट में नया पार्टनर आएगा पुराने वाले को प्रॉफिट का क्या होगा नुकसान होगा पुराने वाले को क्या होगा नुकसान उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए नया पार्टनर अपने साथ में क्या लेकर के आता है हम लोगों ने अभी जस्ट गुडविल का चैप्टर खत्म किया है और जो ट्वेल्थ से कुछ स्टूडेंट आए हैं उन्होंने पार्टनरशिप में जरूर पढ़ा है कि जब कभी भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो पार्टनर गुडविल लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है ये तो रटा था सर हमने अब पूरा रीजन सुनो इसको राइट चाहिए किसके अंदर, प्रॉफिट में अगर इसको प्रॉफिट में राइट मिलेगा तो इसके कारण पुराने वालों को क्या होगा नुकसान उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने साथ क्या लेकर के आता है गुडविल पहली बात अब वो आएगा बोलेगा मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं तो बिजनेस में अगर पैसा लगाऊंगा तो जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स में मेरे पास क्या होना चाहिए राइट होना चाहिए ना उसको भी तो शेयर करने का इसके लिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं पैसा और बिजनेस में पैसा जब लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो नया पार्टनर हमेशा आता है साथ में लाता है गुडविल और साथ में लाता है कैपिटल गुडविल लाता है प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और कैपिटल लाता है असेट्स को शेयर करने के लिए आई बात समझ में क्लियर नोट इट दीज टू पॉइंट ज्वाइन इट अब अपन चर्चा करेंगे रेशो के बारे में देखो जब भी न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर के रेशो में चेंज भी आता है जब भी न्यू पार्टनर आएगा ओल्ड पार्टनर के रेशो में चेंज आता है तो इनको या तो गेन होगा या फिर इनको होगा सेक्रीफाइस या तो इनको गेन होगा या फिर क्या होगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बात आती है गेन होगा या सेक्रीफाइस मैक्सिमम टाइम पे होता है सेक्रीफाइस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं तो इनको मैक्सिमम टाइम क्या होगा सेक्रीफाइस इसके लिए अपन को कंप्यूट करना पड़ेगा सबसे पहले न्यू रेशो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा न्यू रेशो तो न्यू रेशो पढ़ना है ठीक है तो अब आप एक चीज को समझना अच्छे से मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस बता रहा हूं रेशो को निकालने की एंड बी आर पार्टनर्स इनका रेशो है थ्री रेशो टू दे एडमिट पी एज ए न्यू पार्टनर पर वन सिक्स शेयर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रीफाइसिंग रेशो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके अंदर छोटा सा जो टॉपिक है वो मैंने आपको क्या बताया कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो है थ्री रेशो टू एक नया पार्टनर आया है वन सिक्स पार्ट के लिए तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है और साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना इस क्वेश्चन के अंदर नोट करने की जो चीज है वो सुनो बाकी तो सब ठीक है लेकिन जो नोट करने की चीज है वो सुनो इनका रेशो थ्री रेशो टू है कोई समस्या नहीं है अब जो समस्या है उसे समझिएगा क्वेश्चन साइलेंट है कि नए पार्टनर को कौश पैसा किसने दिया किसने शेयर दिया क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट न्यू पार्टनर शेयर गिवन बाय वूम नया शेयर किसने दिया हमें पता ही नहीं है सो वी यूज सपोज प्रॉफिट मेथड हम कौन सा मेथड यूज करेंगे सपोज प्रॉफिट मेथड ठीक है तो मैं सपोज करूंगा सपोज प्रॉफिट कितने का है वन रुपी का पी शेयर वन बाय सिक्स सपोज मेरा प्रॉफिट वन रुपी का इनमें से पी का पार्ट कितना है वन बाय सिक्स मेरे पास एक रुपया था टोटल फर्म के पास इसमें से वन बाय सिक्स इसको दे दिया तो अपने पास रिमेनिंग कितना रह गया रिमेनिंग वन माइनस वन बाय सिक्स इक्व टू फाइव बाय सिक्स मेरे पास एक रुपया था एक रुपया एक में से इतना वन सिक्स तो इसको देना है मेरे पास बचा कितना फाइव बाय सिक्स अब फाइव बाय सिक्स किसको दूंगा ए और बी को कैसे दूंगा जितना इनका रेशो है उसमें मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट कितना है फाइव बाय सिक्स इनका रेशो क्या है थ्री रेशो टू तो इस फाइव बाय सिक्स को मैं कौन से रेशो में बांट दूंगा थ्री रेशो टू में तो लिखूंगा ए इस न्यू रेशो फाइव बाय सिक्स इंटू थ्री बाय फाइव इसका रेशो हो गया थ्री बाय सिक्स बीस न्यू रेशो फाइव बाय सिक्स इंटू टू बाय फाइव तो इसका हो गया टू बाय सिक्स न्यू रेशो थ्री रेशो टू रेशो वन इसका थ्री बाय सिक्स इसका टू बाय सिक्स इसका वन बाय सिक्स तो सबका एलसीएम सेम है सिक्स 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 डिनोमिनेटर थ्री टू वन क्या हो गया न्यू रेशो राइट। right. अब जब भी एडमिशन की बात आएगी तब तब हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशो जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ए की भी बात करेंगे बी की भी करेंगे ए के पास पहले पार्ट था थ्री बाय फाइव इसके पास पहले पार्ट था टू बाय फाइव अब इसके पास हो गया थ्री बाय सिक्स इसके पास हो गया टू बाय सिक्स सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पे इसका तो आएगा थ्री बाय थर्टी इसका आएगा टू बाय थर्टी तो इनका सेक्रीफाइजिंग रेशो हो जाएगा थ्री रेशो टू इनका सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या हो जाएगा थ्री रेशो राइट बात आई समझ में अब एक ज्ञानवर्धक बात दिमाग में रखना जब जब सपोज प्रॉफिट यूज होगा तब तब जो ओल्ड रेशो होगा वही सेक्रीफाइजिंग होगा सपोज प्रॉफिट मेथड यूज हुआ इनका ओल्ड रेशो क्या था इधर भी क्या आया थ्री रेशो टू क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट न्यू पार्टनर शेयर गिवन बाय वुम, सो वी यूज सपोज प्रॉफिट मेथड इन विच ओल्ड रेशो ऑलवेज इक्वल्स टू सेक्रीफाइजिंग रेशो ये था रेशो निकालने का मेथड नंबर वन Note it first. Uh.

चेंज इन द सेंस मतलब है थोड़ा जल्दी लाया गया डन इसी क्वेश्चन को वापस देखो ए और बी का रेशो है थ्री रेशो टू इन्होंने एडमिट किया सी को एज अ न्यू पार्टनर वन सिक्स पार्ट के लिए विच इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली पहले वाले में किसी ने दिया था नहीं यहां पर किसने दिया ए और बी ने इक्वली तो ये है मेथड टू व्हेन शेयर गिवन बाय ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइजिंग रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू गिव वन रेशो इन्होंने कैसे दिया इक्वली दिया है ना तो इनका सैक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या आएगा इक्वल वन रेशो वन ये मेरी गारंटी है कैसे ट्राई कर लो देखो भैया A का रेशो पहले था थ्री बाय टू इसमें से कुछ पार्ट इसने किसको दे दिया पी को सी को ऐसे ही बी ने भी दिया तो लिखूंगा गिवन बाय ए एंड बी भैया दोनों ने इक्वल इक्वल दिया है ना तो वन बाय सिक्स का हाफ वन बाय ट्वेल्व वन बाय सिक्स का दोनों ने हाफ दिया तो वन सिक्स का हाफ कितना होता है वन ट्वेल्व तो एस रिमेनिंग रेशो अरे भैया पी कर लो इसको लड़ रहे हैं सी लिख दिया सर ने एस रिमेनिंग रेशो ए का पहले पार्ट था थ्री बाय फाइव इसमें से इसने कितने दे दिए 60 एलसीएम आएगा 36 सिक्स माइनस फाइव थर्टी वन अपॉन सिक्सटी बीस रिमेनिंग रेशो टू अपॉन फाइव माइनस वन बाय ट्वेल्व नाइनटीन अपॉन सिक्सटी आएगा कितना आएगा नाइनटीन अपॉन सिक्सटी सर इतना तेज कैसे कर लिया इसका सवाल वही वापस से ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी सिक्सटी एल्सियम फाइव का डिवाइड सिक्सटी में कितनी टाइम जाएगा बारह बार बारह को मैंने सीधा टू से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फोर ट्वेल्व का डिवाइड 60 में जाएगा पांच बार तो पांच आएगा ट्वेंटी फोर में से पांच गए तो सीधा कितने बच गए नाइनटीन डिवाइड बाय 60 अच्छा भैया पी का रेशियो कितना है वन बाय सिक्स इसका एलसीएम सिक्सटी इसका सिक्सटी तो इसका भी तो सिक्सटी होना चाहिए ना तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टेन बाय टेन से तो ये आ गया टेन बाय सिक्सटी तो न्यू रेशो क्या हो गया सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है एक की बात करते हैं थ्री बाय फाइव तो ये आएगा फाइव डिवाइड बाय सिक्सटी ट्वेल्थ या थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में से थर्टी वन गया तो कितना आएगा बी टू डिवाइड बाय फाइव माइनस नाइनटीन बाय सिक्सटी कितना आएगा क्या रेशो आ गया क्या बोला था मैंने देन सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्व टू गिवन रेशियो अभी इक्वल ही दिया ना इसलिए ये भी क्या आया इक्वल अगर ये बोलता टू रेशो वन तो सेक्रीफाइजिंग भी क्या आता टू रेशो वन यह बोलता फाइव रेशो थ्री तो ये भी कितना आता फाइव रेशो थ्री आई बात समझे नोट इट फास्ट मैथड टू डन आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा इस टॉप चैप्टर को बाकी की चर्चा कल की क्लास में